So hi guys, I'm actually the world's first motovlogger. No, I'm the India's first motovlogger. So I think that everybody should respect me, but unfortunately nobody's giving a shit whatever I make the video. Okay guys, sure. Hi guys, this Bulletar is here and today's video I'm gonna be talking in Hindi. So let's get started. So guys, today's video I'm gonna be talking in Hindi because I'll be a little more comfortable and maybe it will be able to understand for the more audience, those who are there and those who understand Hindi. So I'm really sorry that if I'm not using English, wherever is possible, sometimes there is a chance that I might use English. So let us get into the topic first. So dosto, jaise ki aap mujhe jante hain, mera channel hai Bullet Diaries. और आज मैं आप लोग के सामने आया हूँ इस वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी दो दिन या तीन दिन पहले से, जब से ये IBW का इंसिडेंट हुआ है, जैसे कि आप लोगों ने देखा था 25 तारीख या 26 तारीख को, काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन था, लोगों के दिमाग में कुछ डाउट्स थे जो कि क्लियर नहीं हुए. और इसी के साथ साथ ही मैं भी कुछ अपने काम में बिज़ी हो गया था, इसी वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना पाया. और मैं सौरभ से भी बात किया मैंने, जिसके साथ में ये हुई, और रिसेंटली उन्होंने भी एक वीडियो बनाया. और उसके बाद दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी, लेकिन हमारे जो इंडिया के फर्स्ट मोटो व्लॉगर हैं, जी हाँ, आप सब जानते ही होंगे, वो पता नहीं इतना मतलब इतना कवर करके इतना ये, हाँ, तो वैसे ही बात करते हैं हमेशा. और पता नहीं वो क्या क्या करते रहते हैं, मतलब ब्लॉग्स बनाते हैं, मोटो व्लॉग्स तो करते ही हैं, सही बात है, साथ में गेम्स भी खेलते हैं, उनका दूसरा चैनल भी है, काफ़ी सारी चीज़ें. तो उन्होंने जो है ये सारे इंसिडेंट का जो मेन मुद्दा है वो सब कचरे कूड़े में फेंक के, उनका जो मतलब वो होता है ना लड़की लोग को कि भाई 10 रुपये का लड़ाई कर ले तो 10 साल तक मतलब उनसे दुश्मनी, बात ही नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो वैसे टाइप का जो मेंटालिटी उनके दिमाग में था, तो वही कचरा कूड़ा सब लेके आ गए. और भाई साहब आपको तो पता ही है उनका मतलब सबसे बड़ा दोस्त कौन है कि नहीं, ये जो इधर लिखा है ना वो है वो, तो उनको उन्होंने फेको ब्लॉगर बुलाया. तो मैं सोच रहा था कि अब उन्होंने इतना अच्छा ज़बरदस्त नाम दे दिया तो मैं आपको क्या बुलाऊं, आपको बुलाऊंगा मैं चीपो ब्लॉगर, ठीक है. तो आप सब जानते हैं, तो वो चीपो ब्लॉगर साहब ने ये सारे मुद्दे को, मतलब सारे जो भी अभी हुआ था, ये सबको उठा के कचरे कूड़े में फेंक दिया और उनको लेके आके जो है इसके अंदर पूरा मतलब उनके अपने फ़ायदे के लिए जो है ये चीज़ डाइवर्ट कर दिया. अब लोगों के दिमाग में काफ़ी सारे सवाल जवाब सब कुछ थे. अब मैं आपको सबसे पहले ये मुद्दा क्या हुआ और क्या थी इसकी सच्चाई उसके बारे में आपको बोलता हूँ. काफ़ी सारे लोग जानते भी, उसका वीडियो भी देखा उन्होंने. अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ ये भी आप ज़रा सोच लीजिएगा. अब देखो, एज ए यूट्यूबर हमें डेली बेसिस पे गालियाँ सुननी पड़ती है, लोग अपने को माँ बहन की गाली देते हैं, तरह तरह की चीज़ें बोलते हैं, तो ये सब बहुत मतलब कॉमन हो गया यार. क्यों? क्योंकि हम लोग एक सोशल मीडिया में हैं, हम लोग कोई वीडियो बनाते हैं, अभी आपको ये पसंद नहीं है आप डिसलाइक मारेंगे, आप गाली देंगे, अरे चलता है यार, चलो लीव इट. अब सबसे पहली गलती जो सौरभ ने किया था और उसने एक्सेप्ट भी किया कि किसी के गाड़ी के ऊपर हम लोग कुछ गलत या अपशब्द यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, वो करना अच्छी बात नहीं है एक्चुअली. अब इसमें जो सच्चाई थी ये काफ़ी सारे लोग को नहीं पता था. अब मेरे दिमाग में भी क्या था कि सौरभ ने उस दिन जो वीडियो या जो पोस्ट डाला स्टोरीज़ के ऊपर, जो आपने सब ने देखा हुआ है, इनफैक्ट न्यूज़पेपर में भी आ चुका है, तो वो जो फ़ोटो डाला था उसके बाद में जो है उन्होंने आके उनको पीटा और उसका वीडियो भी उन लोगों ने मतलब बेवकूफ लोगों ने शेयर कर दिया और ये चीज़ बहुत वायरल हो गई, काफ़ी सारे लोग उसके सपोर्ट में भी आ गए. अब इसके लिए भी क्या रीज़न्स है मैं भी जानता हूँ, वो उसके बारे में बाद में आऊँगा. तो सब लोगों ने ये सोचा यार ऐसा उसने गलत किया था, उसको मार मिल गया, चलो हो गया बात. अब कुछ लोग बोलने लगे कि असॉल्ट करना गलत बात है, जो कि बहुत ही सही बात है, किसी के ऊपर भी हाथ उठाने का हम किसी को भी हक नहीं है, चाहे वो कोई भी मैटर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो. ये तो पहली बात थी. सेकंड थिंग ये थी, काफ़ी सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे थे कि यार उसका रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगा, उसके बारे में हम लोग ऐसा बोलेंगे तो वैसा हो जाएगा. अरे यार क्या बोल रहे हो, मतलब हम लोग क्या स्कूल में पढ़ने वाले इतने छोटे से बच्चे हैं? लोगों ने क्या क्या गंदी बातें या फ़ोटोज़ या वीडियोज़ या स्टोरीज़ के द्वारा उस IBW इंसिडेंट में डाला है, आप लोगों ने सब चीज़ चेक किया? नहीं ना, आप लोगों ने इसलिए चेक किया क्योंकि वो बच्चे का इतने सारे फॉलोअर्स थे यार, वो कॉलेज में पढ़ने वाला छोटा सा बच्चा था यार, है मतलब था नहीं सॉरी तो है. अरे उसने कुछ कर दिया, और मैंने सौरभ से डायरेक्टली बात किया है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, और उसने स्क्रीनशॉट्स भी भेजा था कि भाई मेरे से गलती हो गई, सॉरी मैं पोस्ट निकाल रहा हूँ. उसने आधे घंटे में जो उसने गलत वाला पोस्ट डाला था Z800 का, वो निकाला. और हमारे चीपो ब्लॉगर ने क्या किया, आपको दूसरा एक फ़ोटो दिखाया, द यूजुअल शिट इन IBW, उसमें से किसी को कोई इश्यू नहीं था यार,
इशू था वो Z800 का फोटो, वो उसने निकाल दिया और उसका किसी के पास भी आज की डेट में 5 घंटे या 6 घंटे बाद वाला पोस्ट नहीं है। तो भाई पहले गुमराह करना बंद करो, समझ में आ रहा ना आपको, चीपलो वॉक और ये ऐसा, ठीक है। तो वो एक था, उसके बाद में जो है ये बंदे को उस दिन रात को कुछ नहीं हुआ, फ़ोन के ऊपर फ़ोन आते रहे। ये भाई साहब को लगा कि हाँ ज़रूर इन लोग का ही फ़ोन होगा, तो अननोन नंबर था इसलिए उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो इसके बाद में उसने क्या किया, अगले दिन सुबह, ठीक है, इन लोगों से बातचीत हुई या फिर जो भी हुआ उन लोगों के साथ, उन्होंने मतलब जिनके बारे में ये जो वीडियो बना या पोस्ट डाला था, उन लोगों ने बोला कि चलो ठीक है यार हम लोग मिलते हैं, कूल, इट्स ऑल राइट, कम ऑन, लेट अस मीट। और अगले दिन दोस्तों जब ये पोस्ट डाला था उसके अगले दिन रात को इन्होंने कहा कि आके एक बार मिलो। तो भाई नॉर्मल सी चीज़ है, अगर मेरे किसी के साथ कुछ चीज़ हुआ, कोई इशू हुआ, उनके साथ जब सॉल्व हो गया तो चलो यार दोस्त बन गए, चलो एक बार जाके मिलते हैं। और दोस्तों और एक बात है कि इसने जो चीज़ इसने नहीं बताया, एक फेक सब्सक्राइबर के तरीके से इसको फ़ोन आया था रात को, रात ही 2 बजे या 1 बजे जो भी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, और बोला था कि मेरे पास भी एक कावासाकी जो Z1000 है ये वाला गाड़ी है मेरे पास, और इसमें कुछ इशू है, ज़रा आके आप चेक कर सकते हो क्या। तो इसको ऑलरेडी शक हो गया कि ये कोई इशू नहीं है, ये फंसाया जा रहा है, ये ट्रैप है, और रात के 2 बजे है और उसको एक जगह पे बुला रहे हैं। इसने बोला नहीं यार मैं आज नहीं आ सकता, मैं कल सुबह आपको मिलता हूँ। तो इसके लिए मैं सौरभ को बहुत शाबाशी देना चाहता हूँ कि उसने वो चीज़ को एकदम मतलब अपने दिमाग यूज़ करके उस चीज़ को टैकल किया। अब इसके बाद में क्या हुआ कि अगले दिन शाम को जब वहाँ पे वेन्यू पे गया तो ये तो एकदम नॉर्मल था, तो जाके पता चला कि इसके जो दोस्त लोग हैं इन्होंने मिलके इसको मतलब असॉल्ट किया और उसका वीडियो बनाया और इससे माफ़ी मंगवाई। यार मतलब क्या है ये, पहली बात तो ये है कि आप लोग को इसको हाथ लगाने का हक किसने दिया, ठीक है। और आपको क्या लगता है, मतलब जो भी बाइक्स के बारे में कुछ भी गलत बोल देगा सबको जाके मार दोगे, या फिर ऐसा है तो फिर हर न्यूज़ चैनल को जाके, न्यूज़ जो एंकर लोग हैं उन लोग को भी जाके मार दो ना, वो लोग भी आपके जो हिसाब से आपको जो पसंद है वो नहीं बोलते हैं, आपके पसंद के हिसाब से बनाने के लिए हम लोग इधर है क्या। तो भाई पहली बात तो ये है, ये बाइकिंग ब्रदरहुड वदरहुड जो भी है ये सब गया तेल लेने, हम सब सेल्फिश हैं। बफ मोटो को मैं सबसे पहले शाबाशी और या मेरी तरफ से काफ़ी सारा मतलब अभिनंदन देना चाहता हूँ कि वो सामने आए और उन लोग को हटाए सामने से, और ये सारा इंसिडेंट था। और मैं IBW को भी मतलब इस चीज़ के लिए बहुत ज़िम्मेदार मानना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप इतने बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो, आपको पता है कि इतने सारे लोग आने वाले हैं, तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स उतना होना चाहिए था, ना कि ये इंसिडेंट होने के 2 घंटे या 4 घंटे या 5 घंटे बाद आपको पता चलना चाहिए। अगर कहीं पे भी कुछ भीड़ हो रहा है या फिर कुछ इशू हो रही है, इमीडिएटली आपके पास डिटेल पहुंचना चाहिए था और आपको वो स्पॉट पे आके वो चीज़ को क्लियर करना चाहिए था। और आप लोगों ने कौन सा बड़ा काम किया, उसको बैन कर दिया। अरे सर ये जो सुपर बाइक्स की ग्रुप है, आपको जो अगर पता नहीं है, तो ये लोग के पास इतनी कैपेसिटी है कि IBW क्या और 10 IBW बना देंगे वो लोग, क्या फ़र्क पड़ता है, बैन कर दिया, जैसे कि अभी आगे कभी भी वो बाइक नहीं चलाएंगे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है यार। तो इन लोगों को बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है, चलो आप लोग ने हाथ उठा लिया कर दिया, और यार आप लोग एटलीस्ट इस इशू को सपोर्ट नहीं करते हो तो एटलीस्ट ये गलत चीज़ स्प्रेड तो मत करो। ये मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ जो सौरभ और वैसे लोगों को हेट करते हैं, आपके जो पर्सनल जो भी हेट है ना वो अपने पास रखो यार। ये चीज़ को है ना, ये कमेंट सेक्शन में आके जो गंदी गालियाँ बकना या फिर उसको सपोर्ट करके बोलना, आपके दिमाग में जो भी कचरा है वो सब जो फेसबुक में और बाकी सब, आज फेसबुक क्या बन गया है, ये सोशल मीडिया क्या बन गया है, सोशल मीडिया अपने अंदर का खुन्नस निकालने का एक प्लेटफॉर्म बन गया है। वहाँ पे ओपनली आपका गर्दन काटने का, आपका पैर तोड़ने का, हाथ तोड़ने का सब धमकियाँ आ रहे हैं। और कहाँ क्या IPC 66 है जिसमें बताया गया था कि अगर आप कोई गलत चीज़ यूज़ करेंगे तो आपको अरेस्ट किया जाएगा, मतलब खाली हमारे जो प्रधानमंत्री और जो नेता लोग हैं उनके अगेंस्ट किए तो आपको अरेस्ट कर देंगे, अदरवाइज सब लोग ऐसा चुप। नहीं भाई मेरे को कुछ नहीं मालूम, ये बाइक का इशू है ना, मेरे को नहीं मालूम क्या भाई क्या होता है सुपर बाइकर्स, मतलब क्या होता है, सब लोग तो स्क्विड्स ही हैं, बड़े बड़े बाइक चलाते हैं, सब लोग इधर उधर घूमते हैं, हम लोग को इससे कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग को इशू है तो पद्मावती मतलब मूवी पूरा बैन कर देने का, हम लोग नहीं चलने देंगे, गला काट देंगे, न्यूज़ में आके लोग गला काटने की बात बोल रहे हैं, तो वो तो छोड़ ही दो। पहली बात मैं सौरभ को भी ये चीज़ बोल चुका हूँ, जब आप फेमस होते हो या फिर आपके पीछे फॉलोअर्स आते हैं, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, अगर आपके पीछे फॉलोअर्स हैं तो आप जो भी पोस्ट डालते हो वो आप जो शब्द यूज़ करते हैं या फिर आप जो वर्ड्स यूज़ करते हैं उसके लिए आपको मतलब बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि किसको हर्ट होगा, किसके बारे में हर्ट होगा हम कुछ नहीं जानते, पहली बात। और ये जब इंसिडेंट हो गया उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने मतलब कुछ लोगों ने तो मीम्स भी बना दिए, है कि नहीं,
बेचारा इसको जो तकलीफ़ हो रही है उसको देखे बिना कुछ लोगों ने मीम्स बना दिए हैं, और ये मैं जानता भी हूँ और आप लोग सब लोग जानते हैं कि कौन कौन है क्या नहीं है। चलो ठीक है, वो तो मीम्स बन गए। आजकल का जो ट्रॉलिंग का जो मतलब यह है ना, जब खुद के ऊपर बीतेगी ना ये चीज़, तब जाके आपको पता चलेगा आपको कितना तकलीफ़ हुआ है। आपको पता है आजकल आज की डेट में वो बच्चे को एक फ़ोन आता है अननोन नंबर से तो उसको डर लगता है। मतलब ये लेवल पर पहुँच गए हम लोग, ये लेवल पे। उसका गलती क्या था? चलो ठीक है, उसने कर दिया, उसने माफ़ी भी मांग दिया, लेकिन फिर भी आज भी उसको व्हाट्सएप मैसेज, मेल या फिर अननोन नंबर से कॉल आना, ये सब आज भी चालू है। न्यूज़पेपर ने इशू उठाया, उन्होंने ये सब किया, तो इसके बावजूद भी ये सब चीज़ अभी भी हो रही है और उसको मतलब एक साये की तरह इसके पीछे आ रहा है ये चीज़, और ये बहुत गलत बात है यार। देखो मैं कभी किसी बाइक को क्रिटिसाइज़ नहीं करता, चाहे वो कितना भी अच्छा हो चाहे कितना भी बुरा हो। मैं कोई गंदी गाली नहीं था किसी के बाइक के बारे में। हाँ मैं ज़रूर बोलता हूँ कि इसमें ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी, ये चीज़ें पसंद नहीं। अरे इतना भी अगर हमें फ्रीडम नहीं है कुछ बोलने के लिए तो यार ये सोशल मीडिया क्यों है? मतलब जो चार गुंडे आएंगे, तुमको अगर पता चल गया कि यार इसने एक चीज़ के बारे में गलत बोला तो क्या आप किधर भी जाके मेरे को असॉल्ट कर दोगे क्या? मतलब यही हम लोग बाहर दिखाना चाहते हैं, और एक न्यूज़पेपर में कॉलम बन जाता है छोटा सा एक फ़ोटो के साथ, मैं ऐसा खड़ा हूँ या फिर मेरा एक वीडियो निकाला, नमस्ते नमस्ते पैर पड़ना ये सब करने वाला, मतलब यही चाहते हो क्या? मतलब कल जाके तुम्हारे हिसाब से अगर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया तो तुम मतलब जो कदम उठाना उठा लोगे? ये बहुत ही गलत बात है दोस्तों। मैं जानता हूँ आज की डेट में पैसा बेशुमार है लोगों के पास, आता है जाता है, लेकिन पैसे से ज़्यादा होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँची तो इससे गलत बात और कुछ नहीं हो सकती है। और मैं ये भी जानता हूँ कि जहाँ पैसा होता है वहाँ पावर भी होता है। अब मेरे जैसे छोटे एक यूट्यूबर जो कि मतलब अभी सब्सक्राइबर तो छोड़ ही दो, मैं तो अभी रेगुलर भी नहीं हूँ, लेकिन ये जो भी कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। मेरे जैसे लोग छोटा मोटा वीडियो बना लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, और मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं आज ये मतलब लेवल पर पहुँचूंगा या फिर यहाँ पर आऊँगा या इतने सारे लोग का सपोर्ट मिलेगा। मुझे भी डेली बेसिस पर गाली मिलता है यार। मैं रॉयल एनफील्ड के बारे में, बाइक्स के बारे में वीडियो बनाता हूँ, अच्छा बोलता हूँ, तो जिसको मतलब अंदर ही अंदर इसके दिमाग के अंदर जो घुस गया है कचरा, तो उसको लगता है कि वो गलत है, तो वो भी आके गाली बकता है। मैं क्या करता हूँ, या तो उसको रिप्लाई करता हूँ या फिर मैं डायरेक्टली उसको हाइड कर देता हूँ। तो ये तो हमारे लिए बहुत आम बात है, ठीक है। अगर आपके पास इतना इशू था तो आपको उसका फ़ोटो निकाल के उसके बारे में कुछ गाली करके आप स्टोरी बना देते यार, या फिर उसका मीम्स बना देते कि ये देखो ये लड़का ऐसा बोल रहा है या ऐसा बोल रहा है, उसके बारे में मीम्स बनाओ, बना लेते, ख़त्म होती बात। हाथ उठाना बहुत ही गलत काम किया आप लोगों ने, और ये चीज़ बहुत गलत है, और आपको खाली IBW से बैन करके कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ठीक है, वो तो एक बात हो गई, आप माने या ना माने, लेकिन जो भी कुछ किया हाथ उठाना बहुत गलत बात है। और उसने अगर वो चीज़ डिलीट की है आधे घंटे एक घंटे के अंदर और अगले दिन जाके उसको रात को असॉल्ट करना, ये बहुत ही गलत बात है। अगर उसको पहले से पता चल जाता कि ऐसा कोई प्लान है तो वो यार 4-5 लोग को लेके आता, वो क्या अकेले उधर जाके ऐसा 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 नहीं करता था जब मार रहे थे, उसके साथ भी 4 लोग होते थे। और जैसे कि मैंने बोला IBW का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग अगर कोई शो मतलब लॉन्च करते हो या फिर इतना बड़ा इवेंट प्लान करते हो तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट होना चाहिए। अगर सिक्योरिटीज़ नहीं है तो वॉलंटियर्स होना चाहिए। जब ये चीज़ हो रहा था तो सिर्फ और सिर्फ बफ मोटो आया सामने और लोगों को हटाया, और बाकी के जो इसके दोस्त लोग थे बाकी सब थे वो सब शायद शूट कर रहे होंगे, क्योंकि आजकल तो ज़माना है ना, गर्दन कट जाए हाथ कट जाए तो सब लोगों को क्या फ़ोटो लेके, अरे 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 वीडियो बनाओ, अरे वायरल वीडियो, चलो 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 डाल देते हैं। यही है मतलब आज की दुनिया यही है। तो सौरभ तुमको पता चल गया कि तुम्हारे दोस्त लोग कौन हैं, ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए था। अब आते हैं हमारे जो फर्स्ट मोटो व्लॉगर हैं उनके बारे में। तो मैं ये बोल रहा था कि उनका जो अंदर का दिमाग है, उनका जो कचरा है भरा हुआ अपने दिमाग के अंदर, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। उनका तो बस दुनिया में एक ही चीज़ है कि कभी भी देखो ये भाई साहब के पीछे पड़ जाना, कोई भी टॉपिक उठाओ इसके पीछे पड़ जाना, है कि नहीं। और देखो मैं कोई इनका बहुत बड़ा फ़ैन वैन या फिर वैसे फ़ैन बॉय या जो उन्होंने बोला था ना हेंचमैन चमचा नहीं हूँ भाई, मेरे को किसी का चमचागिरी करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं अपने वीडियोस में निखिल ने ऐसा किया, अभी आप नाम तो जानते ही हैं, तो उन्होंने वैसा कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, ये सब मैं नहीं बोलता हूँ। मैं उनका फॉलोअर हूँ ज़रूर, मैं उनका सब्सक्राइबर भी हूँ, लेकिन जो तुम गंदगी फैलाते रहते हो ना, और जैसे ही तुम्हारा वीडियो ऐसा कुछ आ जाता है तो उसके नीचे मतलब रेगुलरली 4 लोग या 5 लोग जो हैं जो इस गैंग में है जिसके साथ में जो भी कुछ हुआ था, तो वो लोग का कमेंट्स तो आ ही जाता है यार। मतलब कुछ भी करो, अरे मौका मिल गया चलो कमेंट डाल देते हैं, ही इज़ अ वेरी फेक, ये वो पैसा लेता। अरे तुम्हारे पास दम में तो तुम भी वीडियो बनाओ ना यार,
तुमको किसी ने मना किया है क्या? तो ऐसा है, तो जिसने भी टीवी बनाया था, जिसने भी करंट मतलब इन्वेंशन किया था, या फिर जिसने भी टेलीफोन बनाया था, तो सब क्या नाम लेते रहे क्या? मतलब वही दुनिया के सबसे आगे जाए, बाकी सब लोग बेवकूफ़ हैं। आज की डेट में आप लोग को याद है क्या मोबाइल फ़ोन किसने बनाया था? नहीं याद है। आपको सिर्फ इतना पता है कि आज की डेट में सबसे अच्छा फ़ोन एप्पल, तो क्या हमेशा उसको जाके गाली दोगे? नहीं, एप्पल गलत फ़ोन है यार, नहीं 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 सैमसंग गलत है, मैंने बनाया था फ़ोन, मेरे को आगे बढ़ना है, वो सब है ना कचरा है वो। अरे भाई, लोग तुमको है ना थूकेंगे तुम्हारे मुँह पर, ज़रा सा तो शर्म करो ज़रा सा। तो ये जो आपसी दुश्मनी है उसको ये सब चीज़ों में मत लेके आओ कचरे के अंदर। अब उसने किसी के वीडियो में कुछ बोला था, ठीक है, किसी के बारे में गलत बोला था, अब मैं तुम्हारे बारे में वीडियो बना रहा हूँ, तो तुम मेरे को अगर कोई गाली देगा तो मैं क्या बोलूँ? अरे ये तो चीपो ब्लॉगर का हेंचमैन है, उसका चमचा है, मैं भी ऐसा वीडियो बनाऊँ? अरे लोग आएंगे गाली देंगे, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है यार, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, हाइड कर दूँ कर मैं डिलीट कर दूँगा। अब तुम्हारे चैनल में आके तुमको जब गाली देते हैं तो तुम तो हाइड ही कर देते हो, या फिर वो पोस्ट डिलीट कर देते हो, या फिर वो यूज़र को ब्लॉक कर देते हो। अब ये मेरा वीडियो है, अब क्या उखाड़ सकते हो तुम? कुछ नहीं। लोगों को जो सपोर्ट करना है वो सपोर्ट करेंगे कमेंट में, अभी तुम्हें कुछ गाली देना तुम गाली दोगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि कल जाके मुझे मतलब डाउट है, क्योंकि तुम तो खाली टारगेट करते हो ये भाई साहब को, मुझे टारगेट तो करने के चांसेस नहीं है, तुम तो ऐसे ही छोड़ दोगे कि भाई इसके बारे में वीडियो नहीं बनाते। अब मैं किसी के बारे में वीडियो नहीं बनाता था, लेकिन इस इशू के अंदर तुमने जो कचरा भर के रखा है ना, तुमने जो गंद फैला के रखी है, इसके लिए मैं आगे सामने आके तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा रेस्पेक्ट करता हूँ, तुम्हारे वीडियोस भी देखता हूँ, तुम जो भी बनाते हो, ठीक है। हर एक ब्लॉगर, हर एक इंसान अपना एफर्ट, अपना टाइम डालता है हर एक वीडियो के अंदर। हर एक इंसान ये नहीं करता है कि एक्सीडेंट वीडियो शूट किया, पोस्ट कर दिया, वायरल हो गया, नहीं, बैठता है, एडिट करता है, देखता है। हाँ, हर एक डायरेक्टर एक सुपरहिट फिल्म मेकर नहीं होता है, ठीक उसी तरह हर एक यूट्यूबर जो तुम करते हो वो नहीं कर पाता यार। और जो करता है उसका रिस्पेक्ट करना सीखो मेरे भाई, रिस्पेक्ट थोड़ा सा। तुमको इतना क्यों जलन होता है हमेशा, हमेशा क्यों जलन होता है मुझे समझ में ही नहीं आता यार। देखो, तुम अपना कंटेंट बनाते हो, वो अपना कंटेंट बनाता है, वो किसी से पैसा ले, वो कुछ करे। अभी हाल ही में आपने देखा ही होगा ना, हमारे गुरुजी और टेक्निकल सागर जो भी है, आपने देखा ही होगा, तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ? उनके सब्सक्राइबर कम हुए? नहीं, उल्टा क्या हुआ, ये भाई साहब जो भी वीडियो डाल रहा था उसके सब डिसलाइक आने लगे, और लास्ट में तो यार आप पहले ऐसा वो फालतू आदमी, वो नशेड़ी, ये वो, उसके लास्ट में भीगी बिल्ली होके आपको सच्चाई पता है, आपको सब कुछ पता है, ऐसा होके एकदम नीचे 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 आ गया उसका वीडियो में। और अभी उसने अभी कंटेंट डालना भी शुरू कर दिया, उसके बीच में और भी काफ़ी सारे लोग आ गए, वीडियो डाले। अरे व्यूज़ खींचना खींचो यार, कुछ अच्छे चीज़ के लिए व्यूज़ खींचो, कुछ पॉजिटिव चीज़ स्प्रेड करो यार। ऑनलाइन में बुलिंग चलता है और ये चलता रहेगा। तुम्हें कुछ पसंद आया तुम वीडियो बनाओ, तुम्हारे लिए हेट कमेंट आएंगे, तुम्हारे लिए सपोर्ट के लिए भी लोग आएंगे, तो इसके लिए तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें क्या लगता है मतलब ऐसा सब वीडियो बनाएगा तो यार निखिल के 50,000 या 30,000 सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे? देखो ये जो है ना, इसके अंदर भूसा नहीं भरा है लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। लोग उसके पर्सनल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है, वो क्या करता है उससे कुछ लेना देना नहीं है। लोग आते हैं वीडियो देखने के लिए कि उसने कैसा वीडियो बनाया, क्या कंटेंट है, क्या नहीं है। कुछ फ़ैन फॉलोइंग होता है, लोग उसको फॉलो करते हैं। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो दिखाओ ना यार, तुम भी बनाओ वीडियोस, हम लोग अप्रिशिएट करेंगे, बिल्कुल क्यों नहीं अप्रिशिएट करेंगे यार। और मैं बोल रहा हूँ ना, मैं सब ब्लॉगर्स को रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन किसी एक के ऊपर बार बार उंगली उठाओगे, और ये जो इशू है ये बेचारे के ऊपर, लड़के के ऊपर जो हुआ, और उसको तुमने मतलब चमचा बोल के, ये जो अभी कचरा जो फैला के रखा है ना तुम्हारे हिसाब से, नेगेटिविटी, आज के डेट में नेगेटिविटी बहुत जल्दी स्प्रेड होती है मैं जानता हूँ, तो ये जो करके रखा है ना, तो भाई इसको रोक लो, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है, बाकी लोग के लिए भी अच्छा है। अपना कंटेंट बना मेरे भाई, मास्क लगा, इधर लगा मास्क, खाली आँख दिखा यार, जो भी करना है कर, जो भी करना है कर, हम लोग तुमको सपोर्ट करेंगे, अच्छा वीडियो बनाओ। अब पावर ड्रिफ्ट का सब्सक्राइबर कम है, बाकी लोग के बड़े बड़े लोग का सब्सक्राइबर कम है, तो सब लोग क्या निखिल के अगेंस्ट हो गए? उनका अपना बेस है, इन लोग का अपना बेस है। अभी अभी हाल ही में हमारे भाई जो एवरी इंडिया, कल क्या वीडियो निकाला यार, क्या जबरदस्त वीडियो निकाला यार, मतलब अप्रिशिएट करना सीखो मेरे भाई। और तुमको पता है मतलब आज की डेट में नंबर वन कौन है? ये भाई साहब, तो इसके नाम से इसके ऊपर कुछ वीडियो निकालेंगे तो उसके फॉलोअर्स रहेंगे ही, अब वो गाली देंगे तुम तो उसको हाइड या डिलीट कर दोगे, लेकिन व्यूज़ तो मिले ना। आहा, क्या दिमाग है। तो भाई ये जो एक्स्ट्रा दिमाग है ना, इसको अच्छे चीज़ों के लिए यूज़ करो। जैसे तुमने अफ्रीकन ट्विन का जो कुछ और ट्विन बनाया था नेवी का, बहुत अच्छा वीडियो था वो सब। और मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि उसका मतलब वॉइस क्लिप दिखा के कौन है पता करने के लिए, तो मैं अब तुम्हें पता चल ही गया होगा कौन हो। तो चीपो ब्लॉगर साहब, ये फेको ब्लॉगर के चक्कर में मत रहो, तुम अपना चीपो ब्लॉगर ब्लॉग्स बनाओ, ठीक है।
अब तुम फर्स्ट मोटो व्लॉगर हो, ताली बजा दिया, ओके एक्सेप्टेड। और सब लोग यार, सब लोग नीचे है ना कमेंट्स में फर्स्ट मोटो व्लॉगर करके नीचे टाइप करो, ठीक है, उनको भी पता चले, रिस्पेक्ट फर्स्ट मोटो व्लॉगर, ठीक है। तो वो कर लो, इससे ज़्यादा और क्या चाहते हो, हर बार तुम्हारा नाम ले, एक्चुअली आई एम वेरी मच थैंकफुल टू फर्स्ट मोटो व्लॉगर हु इज़ हियर, सो आई वॉन्ट टू थैंक हिम फर्स्ट, देन ओनली आई विल स्टार्ट माई वीडियो, एंड हिज लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन, यू शुड चेक दम, ओनली देन आई विल स्टार्ट माई वीडियो। बस कर यार, मतलब कितना करोगे मेरे भाई, तो यही बोल रहा हूँ, तुम्हारा कंटेंट है तुम बनाओ, बाकी का कंटेंट है वो अपना अपना बनाते रहेंगे, तो जो तुम्हारा जो दिमाग है ना वो सही तरीके से यूज़ करो, ठीक है। अब तुम्हें व्यूज़ मिलते हैं, तुम अच्छा खासा कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छे चीज़ के लिए तुम कंटेंट बनाओ, सब लोग अप्रिशिएट करेंगे। एवरीडे इंडिया आज की डेट में कितने सब्सक्राइबर है सब जानते हैं, उनका डिसकंटिन्यू हो गया था बीच में वीडियो, लेकिन आज भी जब एक वीडियो डाला तो जाके उस कमेंट्स में चेक करो, उनके एफर्ट को सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, उनके वीडियो को अप्रिशिएट करते हैं, और कुछ लोग अपने पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं यार अपने वीडियोज़ के थ्रू, तुमको क्या तकलीफ़ है, तुमको कुछ ऑफर नहीं आते हैं इसलिए तुमको जलन हो रही है क्या, तुम बोलोगे आई डोंट एक्सेप्ट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, आई डोंट डू सच काइंड ऑफ, कितने सारे गिव अवे कर दिए या फिर कितने सारे चीज़ें तुमने किए नहीं किए, हम लोगों ने कभी पूछा है, हम सारे वीडियो क्रिएटर्स को उनके काम के लिए रेस्पेक्ट करते हैं, उनके नाम या फिर वो अपने पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ सौरभ के लिए, क्योंकि उसको मैं सपोर्ट करता हूँ, आज की डेट में आपने जो असॉल्ट किया है उसको मैं अपोज करता हूँ, मैं उसने जो पोस्ट डाला उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ आप गलत मत सोचिएगा, उसने जो पोस्ट डाला वो गलत था, ठीक है, उसने आधे घंटे में निकाल दिया, उसने गलती किससे नहीं होती यार, मेरे से भी होती है गलती, कितने बार गलती होती है, लेकिन वो गलती को एक्सेप्ट करने के लिए ना बहुत बड़ा दिल लगता है, जिगर लगता है, और वो लड़के के पास था, एंड आई अप्रिशिएट दैट, ठीक है। आज की डेट में अगर कोई गलती अपना मानता है या फिर एक्सेप्ट करता है तो उससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती, तो उसके लिए अप्रिशिएट करने के बाद जो नेक्स्ट डे हुआ ये बहुत ही गलत था, रात को आपको उसी दिन मामला फिनिश कर देना चाहिए था, और जैसे मैंने बोला IBW के लोग भी इसके लिए काफ़ी सारा रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, अगर कोई रकस या फिर कोई इशू होता है तो उनके सिक्योरिटी वाले, उनके लोग वहाँ पे होना बहुत बहुत ज़रूरी था, नहीं थे गलत। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जब आपकी जो पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है या फिर कुछ होता है तो आपके वर्ड्स बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि आपको जो लोग फॉलो करते हैं वो आपको एक रिस्पेक्ट लेवल के हिसाब से फॉलो करते हैं, और जो हमारे फर्स्ट मॉडल व्लॉगर हैं उनको भी लोग रेस्पेक्ट करते हैं यार, क्यों नहीं, लोग वीडियो देखते हैं सब कुछ करते हैं, तो सर आपको मैं भी रेस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, आप बुरा मत मानेगा, लेकिन ये जो गंद फैलाने का जो काम है ना, इतना कचरा कचरा सब जगह कि भाई कहीं पे भी नाम लेके आओ, ये चीज़ ज़रा बंद करो, और कुछ नहीं, मैं आपको पहले से फॉलो करता आ रहा हूँ, आगे भी आपको फॉलो करता रहूँगा, हाँ अगर आपने मुझे ब्लॉक कर दिया कहीं पर फिर, या फिर मैं वीडियो नहीं देख पाऊँगा तो कोई और अकाउंट से जाकर मैं आपका वीडियो देखूँगा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आप टेंशन मत लो, और मेरे को आपके वीडियोस में कमेंट करने का भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लीज़ हर चीज़ में ये जो तुम्हारा आपसी दुश्मनी है इसके साथ, तो ये ज़रा प्लीज़ क्लोज इट, ठीक है। और निखिल भाई आप तो जानते ही हैं, मैं हमेशा आपके काम को रेस्पेक्ट करता हूँ, एंड आई पर्सनली नो यू, और ये कोई फ़ैन बॉय वीडियो नहीं था, प्लीज़ मैं उनके साथ क्या बात करता हूँ क्या नहीं करता हूँ ये सब चीज़ मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता हूँ, आई रेस्पेक्ट हिम ऑन पर्सनल लेवल एज वेल एज़ फॉर वॉट एवर ही इज़ डूइंग, एंड आई विल कीप ऑन डूइंग दैट अनलेस एंड अनटिल वो कोई गलत कदम उठाए या फिर कोई बहुत ही गलत चीज़ कर दें। और तुमको क्या लगता है जो चीपो ब्लॉगर, तुम्हें ऐसा सब करके उनका जो क्या सब्सक्राइबर कम हो जाएगा लगता है, नहीं कभी नहीं, एंड वेरी सून इज़ गोइंग टू हिट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स इंशाल्लाह, जो 2018 आ रहा है या फिर भगवान से हम प्रार्थना करेंगे 2018 में 1 मिलियन सब्सक्राइबर बहुत ही जल्द क्रॉस करें, तो ऑल द बेस्ट टू हिम, एंड सौरभ प्लीज़ डोंट टेक टेंशन, वी ऑल आर देयर विद यू, ऑल द मोटो व्लॉगर्स, ऑल द व्लॉगर्स अराउंड इंडिया एंड ऑफकोर्स मे बी अराउंड द वर्ल्ड ऑल्सो, हम लोग सब आपको सपोर्ट करते हैं, तो प्लीज़ कीप ऑन डूइंग वॉट एवर यू डूइंग, एंड बहुत ही जल्द एक सरप्राइज़ है सब लोग के लिए, और वो आप लोग को पता चलेगा जब मैं वीडियो रिलीज़ करूँगा, तो तब तक लिए प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग एंड शेयर दिस वीडियो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सही है, और लाइक करें और कमेंट में मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है, और ये कोई हेट वीडियो नहीं था लेकिन जो कचरा फैलाया गया है लेकिन उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से चल रहा है यार, काफ़ी टाइम से,
और ये क्या करता है, पूरा जो वीडियो है उसको मास्किंग करके उनका आवाज़ सुना देता है, जो कि सब लोगों को पता है किसका आवाज़ है, और फिर कुछ ना कुछ बड़बड़ करते रहता है। अब पर्सनल असॉल्ट, पर्सनल चीज़ जब जो भी है, और पता नहीं उन्होंने मतलब अब 18 मिनट या कितने मिनट का वीडियो बनाया था, 19 मिनट या 20 मिनट का वीडियो, पूरा मतलब टिश टिश ये सब आवाज़ डाल के लोगों को ऐसा लगे कि यार बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है, लेकिन अंदर क्या है, कुछ नहीं, खोखला। तो बाकी के जो लोग भी हैं, जो भी सपोर्ट करते हैं, हर एक चीज़ में ऐसा होता है यार, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग अपोज करते हैं, लेकिन आप हर चीज़ में वो जो आप जिसको अपोज करते हैं उसको लेके आके इसमें कचरा फैलाओगे, ये सही बात नहीं है, ठीक है। सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूँगा क्योंकि ये कोई कंटेंट नहीं है, सब्सक्राइब मत करिए प्लीज़। आप मेरा बाकी के वीडियोस चेक करिए, अगर आपको वो कंटेंट पसंद आए तभी और तभी सिर्फ सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज लीव इट, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।